हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम DSSSP में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, यानी कि DSSSP लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आप सभी के लिए जो रिवीजन चल रहा है वो अब उस हिसाब से चल रहा है जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें आपकी आ सकती हैं। नहीं तो आपकी दो प्लेलिस्ट बच्चों बनी हुई है, एक DSSSP, रुकिए मैं देख के बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने बताया था और अभी चलिए एक बार और मैं देख के आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी प्लेलिस्ट। देखिए ये जो प्लेलिस्ट है, ये चैनल आप जब देखेंगे तो ये जो प्लेलिस्ट है यानी कि DSSSP 22 वाली जो सीधे सीधे बात है जिसमें मेरी फ़ोटो लगी हुई है और जिसमें क्लास लिखा हुआ है, ये रिवीजन टाइप चल रही है क्लास, तो ये है एग्ज़ाम की अभी वाली यानी कि रिवीजन चला हुआ है जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी है, ठीक है। इसके बाद जो मेन आपको देखनी है वो कौन सी है, वो है ये कहाँ गई, यूपीटेट DSSSP ये वाली है। ये वाली आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर हमें पता नहीं चला, ये वाली जो है वो है रितु मैडम वाली। आप इसमें देख लीजिए कोने में लिखा है बाय रितु मैडम, ये रितु मैडम की क्लासेस हैं, इन्हें आप देखिए, इसमें 30 से 40 क्लासेस होंगी, वो सारी की सारी आप देख लीजिए। यानी कि इससे क्या होगा, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सारे दिए गए हैं। और ये है थ्योरी क्लास, यानी कि थ्योरी में जो आपका सिलेबस था DSSSP का उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई गई, यानी कि ये थ्योरी क्लास है जिस पे मेरी फ़ोटो लगी है। इसमें आपको जैसे लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में कोई चैप्टर था उसके ऊपर क्वेश्चन, और ये है क्या नाम क्वेश्चन आंसर वाली, तो आपको इन दोनों को देखना है और जो अभी चल रही है उसको देख लेना, बस आपका लाइब्रेरी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर में आपको 2x करके देख लीजिए, टाइम कम बचा है जिससे आप सारी चीज़ें देख सको, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं, आज का टॉपिक जो है, तो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक आज हम देखेंगे जो आपका एक पूछा जाता है पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। आपको सबको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी है क्या, यानी कि टाइप ऑफ लाइब्रेरी में जो क्वेश्चन आता है आपका एक या दो नंबर का क्वेश्चन आता है और बच्चे परेशान होते हैं टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, जैसे कि आपके सिलेबस में भी बताया गया टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी मैंने करा भी चुका है पर आपको एक बार और करा देता हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। सिंपल सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज यानी लाइब्रेरीज है और लाइब्रेरीज है क्या, कितने तरह की टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी होती हैं। तो आपको क्या कराया था टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में, आपको बताया थी चार टाइप कौन कौन से बताए थे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में। पहला टाइप कौन कौन सा बताया था, पहला बताया था पब्लिक लाइब्रेरी, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी में अब इसके अंदर भी पार्ट्स हैं पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। दूसरा क्या है आपका एकेडमिक लाइब्रेरी, यह अभी मेन टाइप्स लिख रहा हूँ मैं, इसके अंदर आपको बता दूंगा कौन कौन सी। फिर आपकी आती है स्पेशल लाइब्रेरी, और इसके बाद कौन सी बचती है, यानी कि ये आपके हैं तीन टाइप की, स्पेशल हो गई और एक आती है पब्लिक लाइब्रेरी होगी, एक होता है इंटरनेशनल लाइब्रेरी, ठीक है। ये है आपकी लाइब्रेरी। तो अब लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आता है, पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर भी आपके अंदर आता है तीन चार तरह की लाइब्रेरी आती है, उनका भी आपको पता होना चाहिए। पब्लिक LIBRARY पब्लिक लाइब्रेरी हम ले लेते हैं ब्लैक। पब्लिक लाइब्रेरी में कौन कौन सी आती है, पब्लिक लाइब्रेरी में लिखिए। अब जो सबसे पहली आती है आपकी नेशनल लाइब्रेरी, फिर कौन सी आती है आपकी स्टेट, सेंट्रल या और डिविजनल लाइब्रेरी, ठीक है। फिर क्या आता है डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल लाइब्रेरी, ये आपसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी किस तरह की लाइब्रेरी है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपकी आती है ब्लॉक लाइब्रेरी पूछ लिया जाएगा ब्लॉक लाइब्रेरी किसके अंदर आती है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं, ब्लॉक के बाद आ गया
पंचायत लाइब्रेरी, पंचायत लाइब्रेरीज। फिर आपका आ जाता है अर्बन लाइब्रेरी, यानी कि अर्बन लाइब्रेरी। फिर आपका आता है रूरल लाइब्रेरी, और रूरल लाइब्रेरी। अब आता है यानी कि आपकी सार्वजनिक लाइब्रेरी में आपसे पूछा जाएगा अर्बन लाइब्रेरी किसके अंडर आती है, तो आपसे आपको पता होना चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर आती है। अब आता है जो नेक्स्ट हमारा था, ये था एकेडमिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। अब इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं, इसके अंदर आती हैं हमारी सबसे पहले आता है स्कूल, जहाँ पर आपकी क्या करना है, आपको जिसका लाइब्रेरियन बनना है तो वो आता है स्कूल। फिर आता है कॉलेज, कॉलेज जिससे आप कभी ना कभी क्या करे हो, पढ़े हो। फिर आती है यूनिवर्सिटी, जिसके अंडर में आपका कॉलेज आया है वो आते हैं UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो ये आपके आते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी। आपसे पूछा जाएगा कि स्कूल लाइब्रेरी किसके अंडर में आती है, तो एकेडमिक लाइब्रेरी में ये ध्यान रखना। फिर आता है आपका, फिर क्या आता है हमारा स्पेशल लाइब्रेरी, स्पेशल। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चे इसमें भी गड़बड़ कर देते हैं कि स्पेशल लाइब्रेरी में कौन सी आती है, आप ये गड़बड़ कर दोगे। स्पेशल लाइब्रेरी मतलब ये है स्पेशल जो एक चीज़ के लिए बनी हो, किसी भी चीज़ के लिए उस तरह के स्पेशल चीज़ की, जैसे रिसर्च स्पेशल है, इंडस्ट्री स्पेशल है, जेल की लाइब्रेरी है, और हॉस्पिटल की लाइब्रेरी वो स्पेशल लाइब्रेरी में आती है, इसरो की स्पेशल लाइब्रेरी, इसरो की जो लाइब्रेरी वो स्पेशल लाइब्रेरी में आती है, याद रखना, ठीक है। अब इस स्पेशल लाइब्रेरी के अंडर कौन कौन सी आ जाएंगी, सबसे पहला आ जाएगा रिसर्च। छोटा टॉपिक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे डिटेल। स्पेशल में आएगा सबसे पहले आएगी रिसर्च लाइब्रेरी, रिसर्च के बाद कौन सी आएगी, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल की भैया एक लाइब्रेरी होती है, इतनी महंगी महंगी जो किताबें होती है ना हॉस्पिटल में, जैसे MBBS करोगे, जिसने भी MBBS का कोई भाई बहन हो उससे पता करके देख लेना कि एक किताब अगर वो खरीदने लगेगा ना, जितनी किताबें जितने सेमेस्टर है 19-20 जो किताबें हैं, अगर वो खरीदने लगेगा तो सीधी बात ये है उसका तो बजट हिल जाएगा, इतनी महंगी महंगी किताबें हैं। इसलिए सब बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर या तो पुरानी लेते हैं, या फिर उसके जीरोक्स कराते हैं, या फिर हॉस्टल के, हॉस्टल बोल रहा हूँ, अपनी लाइब्रेरी से इशू कराते हैं, और एक एक लाइब्रेरी में एक एक की जगह 10-10 कॉपी रहती हैं उस किताबों की। इस और आजकल तो डिजिटल कर दिया है सब कुछ, तो ये हो गया इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी। फिर आ गया जी लाइब्रेरी, जेलों में भी लाइब्रेरी होती है जो पढ़ने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि जो भगत सिंह वाली पिक्चर है, भगत सिंह में वो क्या करता है, भगत सिंह जी हैं वो क्या करते हैं, पुस्तकें पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें भी यानी पुराने टाइम से ही लाइब्रेरी का शो इस तरह का चलता रहा है। फिर आ गया आपका लाइब्रेरी इन विजुअल इम्पैक्ट, यानी कि नेत्रहीन वालों के लिए जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ फॉर विजुअल, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विजुअल इम्पावर्ड यानी कि नेत्रहीन के लिए पुस्तकालय। और इसमें कैसी बुक होंगी, ब्रेन लिपि वाली बुक होंगी, तो इसलिए ध्यान रखना ये भी स्पेशल लाइब्रेरी में आती है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपके लाइब्रेरी का, और आपका इंटरनेशनल लाइब्रेरी में, इंटरनेशनल लाइब्रेरी में जैसे कि आपको इंटरनेशनली लाइब्रेरी होती है, जैसे कि आपको कौन सी दिखा दूँ मैं, हाँ अभी आपने कोई एक पिक्चर आई थी जिसमें नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पिक्चर थी उसका नाम था शायद कार्तिकेय टू सबने देखी होगी, ठीक है। कार्तिकेय टू में जब वो जो रिसर्चर रहता है वो बाहर जाके वो उस कृष्ण जी वाला की बुक का जो वो होता है मैप होता है या पता नहीं कुछ होता है, वो उसका बांसुरी का और उसका प्रोटोटाइप का फोटो लेकर आता है, मतलब किताब से फाड़ के लेकर आता है। तो वो जो लाइब्रेरी दिखाई हुई थी वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी थी। इंटरनेशनल लाइब्रेरी में आपको एक जगह का नहीं, जितने भी कंट्री जाए 200-300 कंट्री है उनका सबका मटेरियल मिलेगा, और इंटरनेशनल लाइब्रेरी में भी फ्रीली एक्सेस होता है। जैसे कि आप इंडिया के हो और आप अमेरिका की इंटरनेशनल लाइब्रेरी में जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ जाकर उससे जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो भर के आपको चीज़ें यानी कि आप बुक पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल लाइब्रेरी होती है। जैसे लंदन की लाइब्रेरी है और बहुत सारी जगह की लाइब्रेरी है, तो वो है इंटरनेशनल लाइब्रेरी।
ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको मैं अभी लगा देता हूँ हाईलाइट पे, यानी ऑरेंज का कलर, इस पर ये ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है तो आपसे ये पूछा गया कि ये किस तरह की लाइब्रेरी, तो ये होती है स्पेशल लाइब्रेरी। कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी की एकेडमिक लाइब्रेरी होती है, और सारी कहना आपके पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ब्लॉक लाइब्रेरी, पंचायत लाइब्रेरी, अर्बन लाइब्रेरी, रूरल लाइब्रेरी, ये सारे आ जाएंगे पब्लिक लाइब्रेरी में। ठीक है बच्चों, तो आपको आपको लाइब्रेरी का ये पता चल गया, जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो आपको इसका भी पता चल गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।